स्वागत है आप सभी का एमटीवी न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। 24 अगस्त से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि 48 और 43 जिलों में अलर्ट। आपको बता दें, यूपी के मानसून दोबारा वापस लौट आया है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बनने से यूपी में अच्छी बारिश की संभावना है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कहीं मूसलाधार बारिश हुई तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। यूपी के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। 23 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वांचल और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 24 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज और बरेली में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं जौनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, अयोध्या में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही लगी हुई है। कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। आगामी 4 से 5 दिनों के भीतर राज्य के पूर्वी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर बरसात हो सकती है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। यूपी में अगले 48 घंटे के लिए चेतावनी जारी की गई है। 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी। मौसम विभाग के ने पूर्वानुमान में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में बारिश की संभावना जताई है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, संभल, जालौन, झांसी और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र ने राज्य के 10 जिलों में अलग अलग स्थान पर भारी बारिश और तूफान और बिजली गिरने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आगामी 48 घंटों के दौरान निचली और मध्य पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की जारी रहने की संभावना है। राज्य में 24 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान है और 25 अगस्त तक कई हिस्सों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज छिटपुट तो कई इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़, मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, सिवनी, पन्ना, आगर और छतरपुर जिलों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर राज्य के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हिमाचल से सटे क्षेत्र में बारिश की संभावना है। बस इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राजधानी के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है।